पाकिस्तान ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मांग की कि यूएन जम्मू कश्मीर में भारत की कार्रवाई की जांच करे। इसके बाद रिपोर्टर से बातचीत के दौरान कुरैशी ने सच्चाई कबूलते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है। इसकी शुरुआत करते हुए ओली ने भारत और मोदी का धन्यवाद किया। एक दिन पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी के पाक दौरे के दौरान उन्होंने कश्मीर पर भारत की इस कार्रवाई को एक तरफा बताया था, जिसकी भारत ने आज निंदा की है। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने 5 महीने बाद ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उर्मिला ने कहा कि मेरी राजनीतिक और सामाजिक समझ बड़े लक्ष्य को हासिल करने की थी, लेकिन मुंबई कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के कारण मैं ऐसा कर नहीं पा रही हूं। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की बेटी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से समन जारी किया गया है। डीके शिवकुमार की बेटी से जुलाई 2017 में सिंगापुर में किए निवेश पर पूछताछ की जाएगी। ईडी ने पूछताछ के लिए 12 सितंबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा है। इसरो ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि एजेंसी चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। चंद्रयान के ऑर्बिटर ने इसकी सटीक लोकेशन का पता भी लगा लिया है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बाद जिंदगी ठहर गई है। राजधानी भोपाल में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। शहर के कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। इस बीच मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन सूबे के लोगों पर भारी पड़ सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होने की खबर है। पवार ने सोनिया से उनके आवास पर मुलाकात की है। चीन के अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन जैक मा मंगलवार को रिटायर हो गए। उन्होंने सीईओ डेनियल झांग को कमान सौंप दी। जैक मा टीचिंग और परोपकार से जुड़े काम करेंगे। वैश्विक स्तर पर पीली धातु में रही नरमी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना मंगलवार को 400 रुपए लुढ़ककर करीब 3 सप्ताह के निचले स्तर 38,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 100 रुपए की गिरावट में 48,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही।